हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे Redmi Note 11 सीरीज के बारे में, जो कि Redmi Note 11 1.0.1.0 का अपडेट निकल के सामने आया है Xiaomi Hyper OS का, जो कि Redmi Note 11 सीरीज के लिए है, जो कि ऑफिशियली पब्लिक के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर यूजर्स को मिल भी गया है। आज अपन इसके बारे में ही बात करेंगे। इसमें आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है और ये अपडेट कैसा चल रहा है, कोई बग्स है या नहीं है, आज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके एक फीचर्स की बात करूँ तो वो आपको फीचर्स मिलता है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो ओपनिंग लॉक स्क्रीन, जो कि इसका लेआउट बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप बहुत सारा कस्टमाइजेशन वगैरह इस वाली अपडेट में कर सकते हैं। हाइपर ओएस का अपडेट है, आप आसानी से यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। आपको फिल्टर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके अंदर, आप फिल्टर्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। मैट इफेक्ट्स के साथ भी आपको ये देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं कुछ हिसाब से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप करेंगे तो इसमें आपको कोई ऐसे उठा के Xiaomi ने वॉलपेपर्स दे नहीं दिए हैं, या अच्छे वाले वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है, कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये पब्लिक रोल आउट का यही फायदा होता है, इसमें आपको कोई लैग्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है, फुल्ली स्मूथली वर्क कर रहा है। और जो कि MIUI के जो अपडेट्स थे उससे तो बहुत ही बेटर काम कर रहा है ये वाला अपडेट, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी लैग वगैरह की, और आप देख सकते हो बिल्कुल ही स्मूथ वर्केबल है। तो लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको एनिमेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही आप होल्ड करोगे ये आ गए एनिमेशंस। अभी फिलहाल मैं इसको कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ, फिल्टर्स में चलता हूँ, यहाँ से आप सब कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं। मैट इफेक्ट्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कुछ यहाँ पे वर्केबल है। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मेरी चेन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली है। अब सेकंड फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, आपको न्यू वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, और इसमें भी ज़रा सा भी आपको वो देखने को नहीं मिलेगा लैग वगैरह कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है इस वाले अपडेट में, आप देख सकते हैं कुछ हिसाब से। और साथ ही इसमें ना, जो भी पहले इसमें जो बीटा टेस्टर्स के लिए जो फीचर्स थे, कुछ कुछ फीचर्स में गायब थे, जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं हुए थे और उसमें भी नहीं थे, बट इसमें आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है दोस्तों सेटिंग्स का ऑप्शन। डायरेक्टली आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर्स में, आपको पहले ऊपर की तरफ ओल्ड में देखने को मिलता था, इसमें आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही बात करूँ इसमें तो आपको म्यूजिक प्लेबैक का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और वर्केबल है फुली। एडिट में चलते हैं तो एडिट में आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह, फ्लोटिंग विंडो, अल्ट्रा बैटरी सेवर वगैरह, फोकस मोड, बेड टाइम मोड, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करूं मैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो सेटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उससे पहले सेटिंग्स के अंदर से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह में भी आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिल जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैं आपको दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन में चलेंगे तो अबाउट सेक्शन का लेआउट आपको पूरा चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आपको जो ओल्ड वाला देखने को मिलता था स्टोरेज टाइप, वही आपको इस वाले अंदर देखने को मिलेगा स्टोरेज, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लुक दे देता है इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टोरेज रिफ्रेश का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्टोरेज रिफ्रेश, आप इंटरनल स्टोरेज सरफेस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, जैसे आप लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह में करते हो फ्रेगमेंटेशन, उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, पर यह भी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर, सिर्फ ऑप्शन दिया गया है। सेकंड बात करूँ तो आपको ये वाला अपडेट है ना एंड्रॉयड 13 पे ही देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 14 इस वाले फ़ोन में नहीं आने वाला है दोस्तों।
एंड्रॉयड 13 पे ही ये आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 14 का अपडेट इसमें नहीं आएगा। और जो भी इसके बाद के जो भी अपडेट्स है और कौन से अपडेट्स है वो उसके बारे में मैं आगे आपको दूसरे वीडियोस में दिखा दूंगा। तो ये हो गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ दूसरे ऑप्शंस, जैसे बैटरीज में आपको लेआउट वैसा का वैसा देखने को मिलता है, कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, जो कि पिछला वाला अपडेट जो आया था MIUI 14 का उसके ऊपर ही देखने को मिलता है। हाँ, बस इसमें ना एडिशनल फीचर्स में आपको यहाँ पे कुछ देख सकते हो, आपको कुछ बैटरी प्रोटेक्शन करके आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह और कितनी बार आपका फ़ोन 0 to 100 चार्ज हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ से आप बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर आप यहाँ से बैटरी वगैरह कर सकते हैं। और बैटरी चेकअप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इन सब, जैसे कि ये टर्न ऑन डार्क मोड वगैरह आपको सजेशन दिखा रहा है यहाँ पे, उसको आप एनेबल करोगे तो आपका थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब मैं बता दूं आपको फिंगरप्रिंट और वगैरह में आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आपको ऑलवेज ऑन होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो, होम स्क्रीन पे आपको उसी हिसाब से सिस्टम नेविगेटर जो भी थे वो तो पहले जैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश रेट में भी 60Hz 90Hz सेम वैसा ही है, वो नया वाला अभी तक फिलहाल इस वाले अपडेट में नहीं आया है। अब दूसरी बात करें तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे कुछ हिसाब से नया वाला लुक देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साउंड इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, अपना अपने अकॉर्डिंग आप सिस्टम साउंड्स को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको न्यू वाला कंट्रोल सेंटर का लेआउट देखने को मिल जाएगा विथ एनिमेशन के साथ, आप देख सकते हो ओल्ड वाला और न्यू वाला, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ ही स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मार्ट होम और नन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन इफेक्ट्स की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप के नोटिफिकेशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें एक और आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। तो फिलहाल मेरे पास कोई प्लगइन नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता कि कैसा क्या है, बट वो थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने इस वाले अपडेट में, आप जरूर से ट्राई कर लेना उसमें। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको फीचर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स में आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लेआउट पूरा का पूरा इन लोगों ने चेंज कर दिया है यहाँ पे। आप लॉक स्टाइल आइकन्स, फॉन्ट्स, नोटिफिकेशन इफेक्ट्स और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप जो भी कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन होगी आपका, उसका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अप्लाई कर लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने डिवाइस लॉक कर दिया और ऑलवेज ऑन एनेबल हो गया, आप देख सकते हो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। साथ ही इसमें आपको मैं दिखा दूँ कि कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली ये वर्क करता है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से काम करता है ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.6 GB ऑफ 4.0 प्लस 4.0 अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आप अपनी रैम को यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप एक्सटेंड रैम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.0 प्लस 4.0 GB, जो पहले आप दो जैसे 4 GB वाला वेरिएंट था तो आप उसमें ना 2 GB तक ही बढ़ा सकते थे, अब आप 4 GB तक इसको 1 to 4 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कैमरा का भी थोड़ा बहुत शो कर लेता हूँ, आप देख सकते हो कैमरा भी बिल्कुल जो भी लैग वगैरह था वो बिल्कुल लैग नहीं हो रहा था। ये मेरा हाथ है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही प्रॉपर वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी कोई लैग वगैरह नहीं है। फ्रंट में भी, फ्रंट कैमरा भी आपको शो कर देता हूँ, फ्रंट कैमरा भी आपको कुछ हिसाब से देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल लैग वैग नहीं करता। और साथ ही आप देख सकते हो अलग अलग मोड्स में भी स्विच करते हैं अपन, जैसे कि वीडियोस वगैरह में। बस हाँ, इसका लेआउट जो नया हाइपर ओएस का लेआउट था वो इसमें नहीं आया, ये ओल्ड वाला ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसकी
नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।